नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मवेशी बाजार केलुआ तिराहे पर बनी नाली में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला युवक का शव। इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का नाम रोहित वाल्मीकि, उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। निवासी चाही रोड लक्ष्मीपुरा सदर कोतवाली का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाली से निकालकर उसकी पहचान कराई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कासगंज में गृह कलेश के चलते युवक ने खुद को गोली मार ली। गोली युवक के पेट से पार होती हुई युवक के साले के भी लग गई। गोली लगने से जीजा साले गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने आनन फानन में जीजा साले को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने घायल जीजा मनप्रीत साले सुमित को अलीगढ़ रेफर कर दिया। परिजनों के मुताबिक गृह कलेश के चलते युवक ने खुद को गोली मारी थी। बीच बचाव में उसके साले को भी गोली लग गई। जानकारी मिलती है एसपी सौरभ दीक्षित मौके पर पहुंचे, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटे हैं। कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गाँव एहरौली का ये पूरा मामला है। मनप्रीत सिंह राणा उम्र करीब 36 वर्ष के द्वारा स्वयं को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जो गोली एक सुमित पुत्र हिम्मत सिंह को भी लगी है, जिसकी उम्र 18 साल बताई गई है। इस सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा, साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर के द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला गृह कलेश का पाया जा रहा है। दोनों मजदूर जो हैं उनको वास्ते बेहतर इलाज यहाँ से अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। अन्य विषयों पर जानकारी की जा रही है और जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ललितपुर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंग परिवार ने एक युवक के साथ मारपीट की है। बेल्टों से लात घूसों से मार मार कर अधमरा कर दिया। एक राय होकर जानलेवा हमला किया है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जमीन पर लिटाकर बेल्टों से जमकर मारपीट की जा रही है और भीड़ तमाशा दिख रही है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। मामला थाना पाली बीच बाजार पुराना बस स्टैंड के पास का है। ललितपुर जिले की पाली तहसील के ग्राम रिछपुरा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि किसान का कई एकड़ का रकबा, जिस पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में आनन-फानन में 3 ट्रैक्टरों के द्वारा खड़ी फसल जोत दी गई। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी प्रशासन की कि हाईकोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी प्रशासन ने किसान को बर्बाद कर दिया। किसान के पास यही एक रकबा है, उसकी आय का जरिया भी था, जिसे जिला प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में 3 ट्रैक्टरों के द्वारा फसल को बर्बाद कर दिया। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। किसान के माने तो इस सब में जिले के एक सत्ताधारी बड़े नेता का हाथ है और उसी के कहने पर जिला प्रशासन उसकी फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। आखिर मामला क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे होने के बावजूद भी आखिरकार जिला प्रशासन को हाईकोर्ट से बड़ा क्यों बनना पड़ा? जिला प्रशासन की आखिरकार क्या मजबूरी रही होगी? किसान उसका परिवार सड़कों पर अखड़ा हुआ है। ये मामला मानवता को शर्मसार करने वाला है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान उसका परिवार किस तरीके से जिला प्रशासन के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान उस समय माहौल खराब होने से टल गया जब एक और मातमी जुलूस मुजफ्फरनगर के हृदय स्थली और हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक शिव चौक से होकर गुजर रहा था। तभी हिंदूवादी संगठन के लोगों ने भारत माता जिंदाबाद और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू कर दिए। आरोप है कि जुलूस के दौरान नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक किसी तरह समझा बुझाकर हिंदू संगठन के लोगों को शांत कराया गया और मातमी जुलूस को शांतिपूर्वक आगे निकाल दिया गया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि जुलूस के दौरान नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए थे, जिसे सुनकर हिंदू संगठन के लोग भी भड़क उठे। दूसरा, हिंदूवादी संगठन के लोग भी भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू हो गए। गौरतलब है कि हिंदूवादी संगठन ने मुहर्रम का जुलूस शिव चौक से होकर गुजरने को लेकर विरोध जताया था और जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मुहर्रम का जुलूस शिव चौक से होकर निकालने पर रोक लगाने की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि मुहर्रम का जुलूस का 6ठा दिन था, जो शिव चौक से शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहे थे, मगर कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर मंत्री तनवीर अहमद को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। 3 हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। गोली युवक के पैर में लगी है। युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर्स ने जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के पीछे पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के भुजपुर इलाके का बताया जा रहा है। घटनाक्रम यह हुआ था कि मैं अपना कारखाना बंद कराकर घर आया था, तभी हाजी अनबार और महमूद अब्बासी उनके सालिया को लाया था कि आप लोगों को, आप और आपके भाई को यहाँ आ जाओ रेनवा गार्डन के पास। मैं तनवीर भाई को लेकर वहाँ गया। वहाँ पर अंधेरे में उसने, अनबार सुनार के साले ने डायरेक्ट उन पर फायर किया, जिससे कि वो उससे बचे तो उनके पैर में गोली लगी थी। उसके बाद में मेरे पे गया था, मैंने शोर शराबा किया तो वो दोनों को छोड़कर वहाँ से वो तीनों भाग गए और जान से मारने की धमकी देकर गए थे कि अगर अब ऐसी कोई हरकत हुई तो मार देंगे जान से।
मेरठ के कंकरखेड़ा के सरधना चौपाल पर अंग्रेजी शराब की कैंटीन के पीछे सो रहे 55 साल के कमल के अज्ञात बदमाशों ने चाके से गोदकर हत्या कर दी। सुबह जब परिजन उनको उठाने के लिए गए तो मृतक पड़े कमल को देखकर घबरा गए। तभी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आप बता दें कि मेरठ के कंकरखेड़ा सरधना चौपाल पर अंग्रेजी शराब की दुकान की कैंटीन के पीछे 55 साल के कमल व्यक्ति के नाम का शव मिला था। साधना रोड के बद्रीशपुरम का रहने वाला है। अक्सर वह शराब की कैंटीन में सोता था। देर रात अज्ञात लोगों ने उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ललितपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 3 छात्रों की हालत बिगड़ी। 2 छात्रों की मौत हुई है। मृतक दोनों छात्राएं सगे भाई बहन है। 1 छात्र को झांसी रेफर कर दिया गया है। अज्ञात कारणों के चलते हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। बताया जा रहा है कि थाना मंडावर के ग्राम होटा निवासी के परिवार के 5 चचेरे भाई बहन मंडावर अंतर्गत एक किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि लगभग रात 8 बजे इन सभी ने खाना खाया, उसके बाद सो गए। रात 3 बजे अचानक तीनों की हालत खराब होने लगी। ज्यादा हालत खराब देख परिजनों को सूचना दी गई और आनंद फानंद में जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर 2 सगे भाई बहन रितेश 17 साल, पूनम 14 साल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हरदोई में थाना पिहानियों और संडिला पुलिस टीम से हुई मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय शातिर चोर मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार किए गए। इनके पास से 2 अवैध शस्त्र, चोरी के आभूषण, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हरदोई मतरौली पुलिस टीम द्वारा 4 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को चोरी के आभूषण, नकदी और मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। गिरफ्तार शातिरों द्वारा हरदोई और सीतापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनेकों चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। शातिर गैंग के अन्य सदस्यों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा ऑपरेशन ऑल आउट के तहत को गठित कर लिया गया था। इन शातिर चोरों के 2 सदस्य भाग निकले में सफल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार तत्पर थी और आखिरकार पुलिस को अब सफलता हाथ लगी है। फरुखाबाद में सरकारी स्कूल की टीचर बच्चों से बाल श्रम करवा रही है। बच्चों का बाल श्रम करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। टीचर बच्चों से मिट्टी उठवाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह से लगातार बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। बच्चों से लगातार काम करवाया जा रहा है। टीचर पढ़ाई की जगह बच्चों से यहां पर बाल श्रम करवाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानाध्यापक खुद बच्चों से पढ़ने की जगह मिट्टी उठवा रहे हैं। छात्रों द्वारा मिट्टी उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शमशाबाद थाना क्षेत्र के अलेपुर प्रीत धोलेश्वर प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। झांसी में मुहर्रम के महीने में शिया समुदाय द्वारा मजलिस मातम का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूरदराज से आए मौलाना द्वारा इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत पर प्रकाश डाला जाता है। और बताया जाता है कि जदीशी लश्कर ने किस तरीके से इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म अत्याचार किया था। आज मोहम्मद नक्की के इमामबाड़े में मौलाना फरमान आब्दी ने एक मजलिस को संबोधित करते हुए कहा कि जब इमाम हुसैन की बेटी 4 साल कि सकीना प्यास से तड़प रही थी, उस वक्त हजरत अब्बास एक मस्क लेकर पानी लेने के लिए नहरे फुरात की ओर रवाना हुए थे। यदीशी लश्कर ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर हमला कर उन्हें शहीद कर दिया। सकीना प्यासी ही रह गई। इतिहास गवाह है कि करबला की जंग आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जंग थी। इसके बाद हजरत अब्बास को याद कर अलम मुबारक की जियारत कर गए, जो हजरत अब्बास लेकर चलते थे। उसके बाद मातमों द्वारा हाथों और जंजीरों का मातम किया और पूरा वातावरण या हुसैन हाय सकीना हाय प्यास की सदाओं से गूंज उठा। इस मौके पर मजलिस में आए सभी मातमदारों और नुहा खानों की फुरकान अदी से हौसला अफजाई की। कानपुर शहर देश के पुराने शहरों में से एक है। अंग्रेजों ने भी शहर में बड़े बड़े उद्योग लगाए। उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि यहाँ से गंगा नदी बहती थी। गंगा किनारे बसे शहर की एक पहचान ये भी है कि यहाँ पर बनने वाली नाव पूरे देश के नदियों के लिए सप्लाई की जाती है। यहाँ के कारीगर नाव बनाने के लिए देश के अलग अलग कोनों में भी जाते हैं। कानपुर में बनने वाली टीन और लकड़ी की नाव केवल यहीं पर बनाई जाती है। देश में कहीं भी टीन से बनी नाव नहीं मिलती। ऐसे में नाव बनाने वाले ऐसे परिवारों से बात की गई जो पिछले कई पीढ़ियों से यहाँ रहकर नाव बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार भी लगा रहे हैं। कानपुर के गंगा नदी के घाट पे बनने वाली टीन लगाकर जो नाव बनती है वो पूरे देश में जानी जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। पीलीभीत जनपद में दुष्कर्म की शिकार हुई पीड़िता द्वारा मुकदमा वापस न लेने पर आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता ने परेशान होकर एसपी और सूबे के मुख्यमंत्री से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और गिरफ्तारी न होने पर लखनऊ में सीएम आवास पर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होने की धमकी दी। वह पीड़िता ने थाना बिसलडा पुलिस को मामले में जिम्मेदार बताया है। सर, मेरी शादी लगभग 2.5 साल पहले जिला शाहजहाँपुर के थाना क्षेत्र बंडा के ग्राम नवद्या बंकी में रहने वाले सुखवीर सिंह सन ऑफ लखविंदर सिंह के साथ हुई थी, जिनका कि किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध है। और जब इस बात की खबर मैंने अपने घर वालों को दी तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद मेरे देवर लवप्रीत सिंह ने मेरे साथ दुष्कर्म किया।
इस घटना की खबर मैंने अपने ससुराल वालों की दी तो उन्होंने मुझे धमका कर खामोश करा दिया। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र के मौलाना आजाद नगर में किराए के मकान में रह रहे पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मकान मालिक ने स्थानीय पुलिस को इस घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए थाने भेज दिया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हत्या का कारण अभी तक साफ नहीं हो सका है। पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। घटना से क्षेत्र में हड़कंप है। एसपी सिटी सहित पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, किस तरीके की घटना हुई है, कुछ जानकारी है? कुछ नहीं थी, मियां बीवी को खाना वाना खाते थे, वो पहले छत पे पूरा ले रात भर में, और पता नहीं किस कारण क्या घटना करी, हमें कोई जानकारी। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि मतलब यहाँ? अरे इनके मियां जो खत्म हुई, उनके मियां के साथ आए थे, जो जेंट्स, उन्होंने बताया हमें ये सब कि मतलब ये इनको मार दिया है। मार दिया गया। फिर उसके बाद उनको पुलिस को सूचना वगैरह दी, किसने दी? जो जिनका मकान है, मकान मालिक, उन्होंने। सहारनपुर में शिवालिक बैंक के पास शिव शक्ति भारत गैस एजेंसी पर दिनदहाड़े दो बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर करीब 2,70,000 के रुपए की लूट कर ली। दोनों बदमाश तमंचे लहराते हुए बाइक पर सवार होकर इस्लामनगर रोड के रास्ते भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी हाँ, 4:30 बजे दोपहर में सूचना मिली है कि वहाँ पे रामपुर कस्बे में ही एक गैस एजेंसी है, जिसमें दो लोगों ने जाकर घुसकर वहाँ पर कुछ 2 से 2.5 लाख के बीच में कैश की लूट करी है। तो घटना में जैसे ही सूचना मिलती है, वहाँ पुलिस पहुँचती है और सीसीटीवी फुटेजेस कुछ हमें प्राप्त हुई हैं, कुछ हम सर्विलांस का प्रयोग करते हुए भी और मैनुअल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए ही इसमें हम इनको जो दो लुटेरे हैं उनको पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गुजरात खेड़ा शहर जिला विकास अधिकारी शिवानी गोयल अग्रवाल की अध्यक्षता में वर्षा जल संचयन परियोजना के तहत कार्यक्रम हुआ। जिला विकास अधिकारी ने प्रकृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विकास की दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। प्रारंभिक चरण में खेड़ा जिले की कुल 100 आंगनबाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों में जल संचयन किया गया। जिला विकास अधिकारी शिवानी गोयल अग्रवाल की अध्यक्षता में खेड़ा जिले के सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पटेल हाउस जिला पंचायत नाड़ियाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौड़ी जिले के बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुभारंभ किया। सांस्कृतिक विभाग के प्रेक्षागृह में जिला प्रशासन की ओर से शौर्य दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार पौड़ी ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर कारगिल शहीदों के परिजनों, सेनानियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे रिटायर्ड सूबेदार बकुल रावत ने कारगिल युद्ध की आंखों देखी घटना सुनाई। इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति में हो गया। विजय दिवस के अवसर पर समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज हम लोग 24वां जो 24 वर्ष पूरे होने पे विजय दिवस को मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि उन शहीदों को आज हम श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। और खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा के चक्रपुर ग्राम पंचायत से है, जहां रेलवे विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के ग्रामीणों की धान की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलवाकर उजाड़ दिया गया। आपको बता दें कि चक्रपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारों में बसे हुए लगभग 200 परिवारों की धान की फसल को ट्रैक्टर चलवाकर रेलवे विभाग द्वारा कुचल दिया गया है। ना तो रेलवे विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के प्राथमिक नागरिक ग्राम प्रधान को सूचना दी गई, ना ही क्षेत्र पंचायत सदस्य को और ना ही आमजन को किसी प्रकार का कोई सूचना दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि हम यहाँ पर 30 से 35 साल से काबिज हैं और आज रेलवे विभाग द्वारा हमारी खड़ी फसल को रौंद दिया गया। आज तक जब भी रेलवे विभाग को इस भूमि से किसी भी प्रकार की आवश्यकता है पड़ी है तो हमारे द्वारा कभी भी आपत्ति नहीं जताई गई। रेलवे विभाग द्वारा जब बड़ी लाइन बनाने का काम शुरू हुआ था और रेलवे विभाग द्वारा यहां से मिट्टी भी निकाली गई थी, तब भी हमारे द्वारा कोई विरोध नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमें सूचना दी होती कि आप फसलें ना लगाएं, हमारी भूमि है, तो हम अपना हजारों रुपए यहां बर्बाद नहीं करते। उत्तरकाशी मुख्यालय में कूड़ा निस्तारण केंद्र पर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कूड़ा निस्तारण के नाम पर नगरपालिका उनको धोखा दे रही है और जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय में कई सालों से जमा कूड़े के निस्तारण के लिए नगरपालिका ने धरौती में जमीन लेकर वहां पर प्लांट भी लगा दिया, पर स्थानीय लोग इसका विरोध में आ गए। इसके बाद स्थानीय विधायक, जिला प्रशासनिक, नगरपालिका, स्थानीय लोगों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत नगरपालिका ने 2 महीने में यहां पर कूड़ा निस्तारण करना था। पर स्थानीय लोगों का कहना है कि समझौते के तहत नगरपालिका को प्रतिदिन 2 डंपर कूड़े का निस्तारण यहां करना था, पर नगरपालिका यहां बड़ी मात्रा में कूड़ा डंप कर रही है, जिसे वजह से भारी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और हालात जस के तस बने हुए हैं। और ये बड़ी बात क्या है सर,
कोई सूचना नहीं, किसी को पता नहीं कि यहाँ पर कूड़ा पड़ने वाला है। मैं कैसे, कोई बीमार है हमारे परिवार में, मैं वहाँ पर खड़ा था, दो तीन ट्रक निकले, उनमें बदबू आई, बदबू आने का हम मुझे शक हुआ कि बदबू क्यों आ रहा है इन ट्रकों में। उसके बाद मैं सड़क पर आया, ऊपर सड़क पर नीचे बैंड करके आना था, मैं सड़क पर आया, मैं 10 मीटर पीछे, 10-12 मीटर पीछे थे ट्रक, और मैंने सड़क पर चला गया। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।